तो भाई और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी पहली न्यूज आ रही है स्काउट और मॉर्टल से रिलेटेड। तो यार, जैसा कि आपको पता है कि अभी टीम सोल का जो परफॉर्मेंस है वो अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से यार सारे प्लेयर्स डिमोटिवेटेड हैं। इनफैक्ट यार मॉर्टल भी अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं काफी दिनों से इसकी वजह से। तो यार सोल के जो फैंस है वो सारे कॉम्पिटेटिव स्क्रीम्स, इनफैक्ट यार सारे कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स के लाइव चैट में स्पैम करने लग जाते हैं #IAMSOLWeWantMortal। तो यार जब ये चीजें स्काउट के लाइव स्ट्रीम पर स्पैम होने लग गई तो स्काउट इस पर रिएक्ट करते हुए सोल मॉर्टल को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कब वो लाइव स्ट्रीम पर वापस आएंगे। सो गाइस, मॉर्टल क्या कुछ कहते हैं आप खुद सुन सकते हैं। वी वांट मॉर्टल, क्या हो गया मॉर्टल को, क्या हो गया? हेलो भाई, देखो मॉर्टल का कस्टम चल रहा है भाई, मैं तुम्हारे सामने कॉल कर देता हूं। यार हमें को देखो, मैं कॉल कर रहा हूं। हेलो बीरो, व्हाई आई एम गेटिंग बूम बम, व्हाई पीपल मेक मी बूम बम इन चैट ब्रो। हेलो, एवरीवन टेलिंग वी वांट मोटल, व्हाट टू डू माय फ्रेंड, टेल मी। क्या कर रहा है सर? ये खेल रहा है क्या? ठीक है ठीक है, देख लो लौंडो, तुम्हारे सामने कॉल कर दिया, चिल मार रहा है ना मैं, अभी खेलेगा वो कस्टम स्क्रीम्स प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज कितना ज्यादा लाइव आ रहा है वैसे बोल दे। देखो आप सब सस्पेंस है, ठीक है सस्पेंस है, तो बी एक्साइटेड। कब? गाइस चिल मारो अभी, देखो मैं ऑफ स्ट्रीम कॉल करता, कुछ काम है मेरे को, मैं बताऊंगा, मेरा भी कुछ सीन चल रहा है। चलो इसके बाद यार सोल अमन अपनी लाइव स्ट्रीम पर एक्सप्लेन करते हैं कि सोल की परफॉर्मेंस अभी क्यों खराब जा रही है और वो अभी स्क्रिम्स क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो यार आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। PMPL में मैं इसलिए नहीं खेला बिकॉज मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मेरा मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और फ्रस्ट्रेटेड क्यों वो तो आपको पता है, क्योंकि टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो बार बार लूट करके मरना जो है मैं ज्यादा झेल नहीं पाता। सबसे पहली बात, सीधी सी बात है मैं आपको बता रहा हूँ। तो और सांगवान दूसरी, अगर सेकंड चीज ये नहीं आपको जम रहा तो सांगवान भी एक प्लेयर है, ये भी एक रीजन है, वो भी टीम प्लेयर ही है हमारा टीम सोल में। तो उसने भी कहा मुझे भी एक चांस दो, देन इट्स ओके, वो खेला ठीक है। दूसरी बात, आज जो नाम चेंज किया वो तो मैं ऐसे किया ब्रो, आप लोग कुछ सब उल्टा ले लिए। जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो टीम में स्लॉट नहीं था, ऑफकोर्स यहाँ पे मेरे को जहाँ पे स्लॉट होगा वहाँ पे खेलूंगा ना मैं। सोल पसंद नहीं है तो क्यों हो साथ? मैंने सबसे पहली बात, सानू भाई ये आपको पसंद नहीं होगी, और पसंद की बात ये है कि मैं एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ सबसे पहले बात, तो हमको दोनों चीज देख के चलनी पड़ती है, समझ रहे हो? प्लेयर के लिए सबसे पहले एक टीम होती है एंड देन दूसरे साथ में फिर बल्कि चीजें बाद में आती है। ऑफकोर्स आपका मेन जो जो चीज आप कर रहे हो वो भी तो देखना पड़ता है ना। हाँ, और मैं टीम में भी हूँ, बट सीन ये है कि मेरा जो गेम स्टाइल है वो मैच होगा नहीं सोल से, ये मुझे 70-80% लगता है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गिव अप कर रहा हूँ। रही बात जितने भी लोग देख रहे हैं IGLing की, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज जो IGL रेगा करता है उससे दो प्लेयर और है जो कि सेटिस्फाइड है, मॉर्टल एंड वाइपर। दे जस्ट नीड अ प्लेयर जो उनके जैसा सोचता हो, और मैं उनके जैसा सोचने का 1000 बार ट्राई कर चुका हूँ। अगर मैच हो गया, अभी भी हम ट्राई कर ही रहे, मैच हो गया बढ़िया है, नहीं तो भाई ऑफ कोर्स यू हैव टू चेंज अ प्लेयर, और कोई तरीका ही नहीं है ब्रो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते भाई। मैं तो भाई सीधा बोलता हूँ चेंज, हर चीज चेंज करो। बारे में मॉडल से भी बात तो करने वाला, मैंने मैसेज डाला भाई चेंज करो, हर चीज चेंज कर दे भाई, एक चीज से लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते भाई, चेंज कर दो भाई। गलत चीज पे अगर अगर आप डटे रहेंगे ना तो लगता है तो वो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड ऑप्शन। गेम स्टाइल, थिंकिंग, ये सब गेम के अंदर जो क्या सोचता है भाई प्लेयर, एक प्लेयर क्या सोचता है, और अभी तक अपन सब लोग क्या सोच रहे थे। फिर भी नहीं हो तो मैं सीधा बोलता हूँ मुंह पे, प्लेयर चेंज करो, खत्म। टीम में जो प्लेयर की कमी लग रही है चेंज करो, नया प्लेयर लाओ, और क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन करता है भाई, तुमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा नहीं तो टीम जाती जाएगी। जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसका जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, सीधा चेंज। दो गाली बैठाओ, ओके, जब तक तू सही नहीं करेगा तब तक तेरी टीम में कोई जगह नहीं है भाई, कितना ही डिफेंड करोगे एक दूसरे। मेरा भाई अग्रेसिव नेचर है, मैं सीधा बोलता हूँ, अगर कोई गलती देता तो मैं गाली देता ही हूँ भाई, और सामने मैं गलती करता तो मुझे गाली पड़ती है, मेरा ऐसा नेचर था भाई, मैंने दिया भी, मैं ऐसा नहीं टीम सोल में भी देता हूँ। तो उनको ये चीज सही नहीं लगती, उनको प्यार से समझाने में ज्यादा इनका और सही होता है, वो चीज
चीज मेरे से होती नहीं है, वो भी उनकी जगह पे सही है, उनकी भी एक इमेज है और सब लोग स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो स्ट्रीम पे ये सब चीजें मुझे नहीं बोलनी चाहिए। स्काउट से पूछ लो भाई, किसी से भी पूछ लो, स्काउट क्या भाई, कोई भी टीम हो सामने जो टीममेट गलती करता है तो सीधा गाली खाता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। एक चीज मैं पहले ही बोल चुका, अगर हम लोग मेरे मार्कर पे इधर साइड और जोन इधर है, मतलब मान लो ये सर्कल जो है अभी बहुत छोटा होता है और हम लोग इधर है जोन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ सेंटर में कैसे जा सकते है? वही हुआ अभी 2-3 दिन पहले, तभी मेरा माइंड फिर से फक हुआ भाई, और उसी चक्कर में 2 जनों का लॉस हो गया भाई। लॉस चल ठीक है, लॉस भी हुआ, बल्कि 2 मैन भाई कितना ही संभाल लोगे। मैं तो कहता हूँ भाई, या तो सोलो बंदा गलती से बच जाए, पूरी 3 जना नॉक हो तो ठीक है वो भाग सकता है, 2 जना बचना इस लाइक भाई तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम चारों सोलो खेल रहे हो, 2 बंदे नॉक पड़ते हैं, उसको कवर ही नहीं मिला। वो इज द बेटर IGL रेगा और सांगवान अकॉर्डिंग टू यू? रेगा सुनता है ही नहीं है। देखो IGL के मामले में टीम पे डिपेंड करता है, मैं अग्रेसिव प्लेयर हूँ और पैसिव IGL होगा तो घंटा कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात, बोलने से कोई अग्रेसिव बन नहीं जाता भाई। अभी जैसे कि मान लो कोई पैसिव टीम है, वो बोलेगी आज हम अग्रेसिव खेलेंगे, ऐसे बोलने से कोई अग्रेसिव बन जाता है क्या भाई? अग्रेसिव माइंडसेट चाहिए, दिमाग में अग्रेशन जो होता है ना वो एक अलग लेवल का होता है। जैसे कि हमने नॉक दिया तो टीम को पता होता है कि हमको पुश करना है कि नहीं करना है। हमारे में अगर नॉक होता है तो एक पैसिव टीम कैसे सोचती है? पैसिव टीम सोचती है कि भाई अर्ली फाइट हम नहीं लेंगे, वी विल गो टू द सेंटर एंड देन हम सेंटर के हिसाब से खेलेंगे। पैसिव टीम ऐसे करती है, जब वहाँ पे नेसेसरी फाइट होती है वो लेते। नेसेसरी फाइट मेरे को तो आज तक समझ नहीं आई कौन सी फाइट नेसेसरी होती है और कौन सी किल्स के लिए, मतलब कौन सी जो है ओवर एक्सटेंड वाली होती है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई ये चीज़। अब पैसिव टीम का मेरे हिसाब से सोचने का तरीका ऐसा रहता है, जैसे कि एक ही इंडिया में पैसिव टीम नहीं है, पैसिव टीम है मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। एक हो गई है UME बिछमा वाली, फुल पैसिव टीम है, उनसे जाके पूछो वो नेसेसरी फाइट्स लेते हैं। गॉर्डेल है, उनका तरीका ऐसा होता है पैसिव का, वी विल गो फर्स्ट टू सेंटर, वी विल होल्ड एंगल्स एंड फिर वहां से हम जोन में जैसे जैसे सिचुएशन बनती जाएगी हम वैसे जाएंगे। और अभी हम लोग हमारे साथ बस एक ही सीन हो रही है कि मतलब इस IGL में विल जस्ट अवॉइड एवरी फाइट्स, विल गो टू द सेंटर, लेट्स सी, वापस से सेंटर, वी विल टेक दिस पोजीशन सेंटर करते 3-4 स्क्वाड के बीच में सेंटर ले लेंगे हम लोग और फिर 4 स्क्वाड हमको बीच में मारती रहेगी, मतलब एक जगह से हम फाइट नहीं लेंगे, 4 जगह से पड़ेगी हमको। और ये गलती IGL की नहीं होती सबसे पहली बात, ये भाई पूरी टीम की गलती है भाई। अगर IGL गलत कर रहा था, फिल्टर और नॉर्मल जो प्ले कोई भी भाई, एक असॉल्टर भी बोलते थे भाई कैसे खेल रहे अपन, आप ये जो ब्लेम डाल रहे हो ये ब्लेम की गलती नहीं है, बेचारा वो क्या करेगा, वो तो पूरा अपना ट्राई हार्ड कर रहा है रेगल टॉस। लेकिन जब टीम में गन फाइट अगर वीक होगी ना तो IGL ऑटोमेटिकली वैसा होगा कि हमको टीम को सेफ खेलाना है, गन फाइट वीक हो रही है। बस सीन ये है कि अगर तुम स्क्रिम्स में भी टूर्नामेंट जैसा सोच के खेलोगे, 16 स्क्रिम्स में अगर तुम अग्रेसिव नहीं खेले तो तुम्हारे हाथ चलेंगे नहीं, तुमको पता नहीं सामने वाले बंदा कैसे सोचता है, कैसे उसको मारना है तुमको। टूर्नामेंट्स में फर्क लगेगी क्योंकि उसके पास ज्यादा स्किल्स है, उसके पास ज्यादा आइडिया है कि सामने वाले बंदे को 1v1 में कैसे हैंडल करना है। मेरे से नहीं होता, मेरे से आज के टाइम में 1v1 हैंडल नहीं होता है, आपने देखा होगा। और पहले ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था जिसमें हम 1v1 हारते थे, आज के टाइम में ऐसा क्यों है कि प्रैक्टिस ही नहीं, मेरी कौन सी प्रैक्टिस है, मैं भी तो टीम में खेल रहा हूँ ना, तो मेरा भी मेरे दिमाग में जो आइडियाज आते थे सामने वाले बंदे को गिराना है, कैसे सामने वाली टीम को मारना है, वो आइडिया आने बंद हो गए। रही बात गन फाइट्स की, तो चारों की गन फाइट्स इतनी वीक है ना, हमारी टीम में कोई एंट्री फेगर ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं घुसना कैसे। एडविट मामा ने भी अपने लाइव स्ट्रीम पर रिएक्ट करते हुए कुछ चीजें कहा जो कि आप खुद सुन सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि जब पिछला साल 2019 का सितंबर था, मैंने ये बात पहले भी करी थी स्ट्रीम पे अपनी नीमो की, जब 2019 का सितंबर था मैं बहुत ज्यादा अफेक्टेड था अपनी पर्सनल लाइफ में, एंड देयर वाज ओनली वन एस्केप फॉर मी एंड दैट वाज स्ट्रीमिंग। मैं स्ट्रीमिंग से जो है क्या कहते हैं वापस अपने आप को रिवाइव कर पाया अपनी लाइफ में, एंड क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था, मैं जाता था जनता के पास और मैं स्ट्रीम करता था, जनता से इंटरेक्ट करता था और खेलता था, मस्ती मजाक हा हा ही होता था और मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाता था। लेकिन आप देखो कि जब ऑन दी अदर साइड वो लोग खेल रहे हैं और वो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एंड इफ दे वांट टू डिविएट देयर माइंड, उनके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है कि अगर हम लोग स्ट्रीम करेंगे तो हमें हेट मिलेगा, गांड फट रही है उन लोगों की भाई। द बिगेस्ट नेम्स ऑफ द अमंग द स्ट्रीमर्स इन PUBG मोबाइल कम्युनिटी एंड इन इंडिया एज वेल, मॉर्टल जिसने रिकॉर्ड सेट किया है हाईएस्ट वॉचिंग का, और फिर जो सेकेंड हाईएस्ट रिकॉर्ड जो सेट किया है वो भी उसने ही सेट किया कैरी मिनाटी के साथ मिलके इंडिया में, उसकी गांड फट रही है। मतलब उसको डर है इस चीज़ का कि मतलब कि हाँ भाई हेट मिलेगा, और कोई आज क्यों किसी ने क्यों स्ट्रीम नहीं किया, इससे बुरा साइट क्या हुआ यार किसी के लिए भी, आप लोग खुद सोचो, इससे बुरा साइट किसी भी
इंसान के लिए क्या ही होगा। हमारी अगली न्यूज आ रही है सांगवान से रिलेटेड। सो गाइस सांगवान के हो चुके हैं 100 के यूट्यूब पे और यार इस मोमेंट को उन्होंने सेलिब्रेट किया अपने लाइव स्ट्रीम पर, तो उसका एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं। हमारी अगली न्यूज आ रही है INES कापसी से रिलेटेड। सो गाइस जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि INES कापसी PMPL स्क्रिम्सन सोल के दो मेंबर्स को बैन कर देते हैं, तो यार INES कापसी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज डाली जिसमें उन्होंने कुछ चीजें एक्सप्लेन किया और उन्होंने उन स्टोरीज में एडबिट ठग की कुछ क्लिप्स भी यूज की। तो यार पहले आप वो क्लिप्स देख लो भाई। वन जेन भाई रेगुलेटर्स और सांगवान ने सॉरी क्यों नहीं बोला INES से, सिर्फ मॉर्टल अमन ने बोला। भाई मेरे हिसाब से तो मॉर्टल और अमन को भी नहीं बोलना था भाई। गेम के हिट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, गाली बॉट फ्री किल कुछ भी बोल सकता है, दे आर फ्री टू से एनीथिंग। तो भाई मेरे हिसाब से मॉर्टल स्क्रीन पे नहीं बोलना चाहिए था वो। अबे कहीं पे भी बोलो भाई सुनो, स्लेजिंग जब विकेट में होता है ना तो विकेट कीपर ये नहीं देखता कि लेग स्टंप का माइक ऑन है ऑफ है, ठीक है? इतना गंदा गंदा स्लेजिंग हुआ है ना भाई, तो तुम बात छोड़ो भाई। तो विराट कोहली भी तो विकेट गिरने पे बोलता है। हाँ भाई कुछ नहीं है, इसलिए सब सबसे पार्ट ऑफ द गेम है भाई, होना चाहिए। हम तो बोलते हैं स्ट्रीम पे ही बोलो, पीठ पीछे तो छक्का लोग बोलते हैं, स्ट्रीम पे बोलो एकदम मुंह पे ऑन फेस। तो यार इसके बाद वो कहते हैं कि जब सोल ने ऐसा किया था तो उन्होंने माफी नहीं मांगा था, तो जब उन्होंने ऐसा कुछ किया तो वो क्यों माफी मांगे, ये उनका एटीट्यूड नहीं है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें माफ कर दें, जो काम उन्होंने किया वो सही नहीं था, बट उन्होंने माफी मांग ली है सोल और सोल फैंस से। वो आशा करते हैं कि वो उन्हें माफ कर देंगे। जितना बड़ा ये बात ना बने उतना ही उनके लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि वो नए हैं इस जगह पे, ये एक बड़ी गलती है उनसे और INES से। हमारी अगली न्यूज आ रही है यश से रिलेटेड। तो यार यश ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एडमिट छोड़ दिया है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस।